हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो यार, आज के दिन ना अपन जा रहे हैं मेले में, बिकॉज कवि नगर में हर दशहरा पर हर साल बहुत अमेजिंग एक मेला लगता है और वहाँ पर रावण वगैरह भी फूकता है। सो आज का व्लॉग बड़ा अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज अपन करेंगे उधर बहुत ज़्यादा फन और आपको दिखाएंगे नई नई चीज़ें, तो कैसा कैसा होता है उधर। सो यार, व्लॉग में लास्ट तक बने रहना, तो चलते हैं आगे। वो अभी आ चुका है और काफ़ी देर से मैं इसका वेट कर रहा था और भाई साहब घर पे गए थे पानी की बोतलें भरने। और अभी तो प्लान बन चुका है, अपन जा रहे हैं कवि नगर। आपने सब कुछ और वेट कर दिया है। वन मोर थिंग, मैं ची बोली क्या बोलना है? ची ची ची। सो गाइस, टास्क देख रहा है, ये इनका टास्क दिया है, ये इनका टास्क था, ये बोल रहे थे ची बोलना है तो हमने बोल दिया ची। ये इनका एक गेम होता है, उसमें ये ची बोल देता है दूसरा बंदा आकर के, फिर इनको टास्क कुछ कंप्लीट करना होता है या फिर स्टॉप हो जाना, स्टैचू हो जाना होता है, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं हम जब कोई दूसरा बंदा ची बोले। इसलिए आए थे हमारे पास ची बोलने के लिए। तो गाइज, आप देख सकते हो कि यार क्या मज़ेदार माहौल है, एकदम पब्लिक आ रही है जा रही है, भाई पूरा फुल रोड भर के चल रहा है एकदम। और अभी तो हम काफ़ी दूर हैं रामलीला ग्राउंड से, रश देख सकते हो गाइज आप। तो भाई साहब ये देखो, 30 रुपये पार्किंग है और बहुत अच्छा बिजनेस है भाई साहब ये दशहरा के टाइम। और यहाँ देखो पार्किंग के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, जिसमें एक हमारी भी गाड़ी है। सो गाइस, यार मैंने भोपा खरीद लियो है, जे है भोपा, तो गुल मोहम्मद बजाएगा भोपा यार। ओए भोपा बजा दियो, ओए लौंडा, जे बात हुई ना आ जा। रामलीला मैदान पहुँच चुके हैं हम लोग। सो गाइज, यार रश देख सकते हो कितना ज़्यादा है और बहुत मज़ा आने वाला है। सो यहाँ पर है भाई निशानेबाजियों का खेल कुछ। गाइज, यार कितना माहौल जमा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो, और रश तो दिख ही रहा होगा आपको। तो यार अब तो ये पैसे ही गिनेगा। और ये देखो भाई, इसने निकाला वॉलेट और यहाँ से देखते हैं कितने रुपए निकालता। ओ भाई, सीधी झंडी निकाली है इसने 500 की। भाई फटाफट टिकट ले और भाई धमाल करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है यार। बाय द वे, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यार राइड लेने में अपनी तो बस कुछ ज़्यादा ही फट जाती है। हम बैठ चुके हैं इस वक्त नाव में और अब आने वाला है मजा। नाव शुरू हो चुकी है हमारी। Oh!
सो गाइस पैसे वसूलती है वाली राइड तो ऐसे जी होगी मेरी तो। पीछे वाले बंदे कुछ ज्यादा डर गए थे हमारे। हिंडोले में और अब हम आ चुके हैं हिंडोले के अंदर और ये बड़ा वाला झूला है और ये सबसे ऊंचा वाला है यहाँ पे और इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। यो बेबी कैसे ऊपर वाले कर रहे हैं तो हो जाना है वाह बीच वालों का फायदा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं सबसे टॉप पर और आप देख सकते हो नीचे की साइड नीचे का व्यू ऊपर को देखो जरा ऊपर को देखो ऊपर को गाइस यार आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग माहौल है और पब्लिक तो बेतहाशा है यहाँ पर और हम इस वक्त सबसे ऊपर हैं हिंडोले में और बड़ा ही मज़ा आ रहा था यार इसमें बड़ा ही मज़ा आ रहा है और ये 8 तारीख तक लगने वाला है मेला। सो गाइस पीछे की साइड आप आग देख सकते हो रावण में आग लग चुकी है और रावण जल रहा है इस वक्त और हम काफ़ी दूर है इसलिए शूट नहीं कर पाए। यहाँ पर बच्चों के झूले हैं यार काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर छोटे से लेकर के बड़े तक झूले हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पर खो भी जाते हैं लेकिन मिल भी जाते हैं और ये दोनों वो झूले हैं जिनमें हम बैठे थे एक ये हिंडोला गोल वाला और एक ये नाव है और ये बच्चे यहाँ पर फन कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो ये नाइट्रोजन बिस्किट्स हैं जिनमें से धुआं खाते हैं तो धुआं निकलता है लेकिन ये हमारी औकात से बाहर था क्योंकि 50 रुपए के 4 बिस्किट्स थे कुल तो हमने नहीं लिए लेकिन हमने एंजॉय किया। सो है ये है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग झूला हैमर ये है 360 राउंड और इसके अंदर बंद हो जाते हैं और उसके बाद 360 राउंड घूमता है ये और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें पर मैं पहले भी 360 में बैठ चुका हूँ तो इसलिए मैं इसमें नहीं बैठा था बिकॉज शूट भी नहीं कर पाता वीडियो इसमें बैठ करके फ़ोन वगैरह गिर सकते थे दैट्स वाई हमने बाहर से दिखाना ही इसको पसंद किया है। आई होप आपको व्लॉग में मज़ा आया है। बोलते हैं ह्यूमन बीइंग जान।
मार के स्कूटी पार्किंग में छोड़ दी और स्कूटी अभी पार्किंग में ही छोड़ दी बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ से निकला नहीं जा रहा। तो आज मेन दशहरे का दिन था, रावण जला था, तो अभी अपन कुछ खाने वाले हैं क्योंकि भूख लग रही है। सो हमें जाएगा पर तो हमने लिए हैं एग्रोल्स और यार पीछे रश देख सकते हो आप। इससे पहले हम थोड़ा सा रियल जूस एग्रोल आ चुके हैं हमारे और थक चुका हूँ यार मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। इसका तो गला बैठ गया और पीछे रश ऐसा क्या ऐसा ही है रश। सो गाइस हमने चिल्ली पटेटो भी मंगवा लिए हैं। सो गाइस यार बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार आज, क्योंकि आज रावण फूका था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी यार, यहाँ तक कि गाड़ियों का जाम नहीं आदमी और औरतों का भी जाम लग गया था। बहुत बुरा हाल, बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इसका गला बैठ चुका है। ये गरीब पैसे तो बोलता ही नहीं यार, अब फिर नहीं बोल पाएगा। सो हम यहाँ से चले गए थे पार्किंग में से बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी लाइन, तो हमने सोचा कि गाड़ी को खड़ी करते हैं दोबारा से यहीं पे और जाते हैं वापस कुछ खाने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं जायका से खा करके और अब हम निकलेंगे घर की तरफ। नियरली हम सारी चीज़ें आपको दिखा चुके हैं यार, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम और जेब में थोड़ा मनी भाई रखना पड़ेगा बस। सो हमने दो ही राइड ली थी, एक बड़े वाले हिंडोले की और एक वो नाव की। सो बड़ा मज़ा आया यार उसमें, 150-150 रुपए का टिकट चल रहे हैं और 8 तारीख तक अब ये मेला जुड़ने वाला है, तो अगर आप चाहो तो आ सकते हो। सो फन करते रहो गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और अगर यार व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।